नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। आज इस वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, अब आगे का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे आपको पार्ट टू है काउंसलिंग फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन और कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी और कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसीजर करना है, सारी जानकारी काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ी आपको इस वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी डाउट हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको शेड्यूल, कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। तो आप जो 23 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको पार्ट टू है वो अप्लाई करना है, तो ये आपको यहाँ पे भी दे रखा है कि ओनली फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट के जो क्वालिफाइड है एंट्रेंस टेस्ट में वो 23 सितंबर से 30 सितंबर 4 PM तक उनको पार्ट टू ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म में वो जो आपकी वेबसाइट है उस पर करना है। कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो जो प्रोसीजर है पार्ट टू फॉर्म फिल करने का वो भी आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं ये आपके BSc पैरामेडिकल के अंदर और BSc नर्सिंग, तो ये आप देख सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग हमने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें सारी डिटेल्स दी आपको, कितनी सीटें, कितनी फीस है इसके रिगार्डिंग, तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। तो पार्ट वन आपने एंट्रेंस एग्जाम से पहले फिल कर दिया, अब पार्ट टू की बारी है। तो पार्ट टू के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, GMCH की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो आपको पार्ट टू अप्लाई करना है। जो जो स्टूडेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइड हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं वो 45 मार्क्स हैं, तो 45 से ऊपर वाले जो जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो आपके 40 मार्क्स हैं, तो जिस स्टूडेंट के 45 से ऊपर मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम में जिसका रिजल्ट आपका कल रिलीज हुआ था वो उन स्टूडेंट को पार्ट टू है वो फिल करना है। तो आपको एडमिशंस जो पोर्टल है gmch.government.in वेबसाइट पे जाना है, एडमिशंस पे क्लिक करना है, एडमिशन इन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज 2021 का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है, अपने अप्लीकेशन ID से लॉगिन कर लेना है और इस फिर आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे जिसमें सबसे पहले आपको अपलोड करना है आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, 10+2 का आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, डिटेल मार्कशीट ऑफ 10+2 वो आपको अपलोड करनी है। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू किसी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, और अगर आप चंडीगढ़ UT पुल से एडमिशन ले रहे हैं तो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज फॉर एस्टेब्लिशिंग एलिजिबिलिटी फॉर UT चंडीगढ़ पुल, तो चंडीगढ़ के किसी भी स्कूल से अगर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप UT चंडीगढ़ पुल की सीटों में एडमिशन लेना चाहते हैं। अदर रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व आपकी जो भी कैटेगरी है OBC या SC ST उसका जो सर्टिफिकेट होता है रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं किसी अदर जॉब आप कर रही हैं और साथ ही आप BSc नर्सिंग या कोई भी अदर जो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर और अदर डॉक्यूमेंट एज अप्लीकेबल, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 10th+2 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, UT चंडीगढ़ पुल के अगर हैं तो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या कॉलेज और रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे रखे हैं, जो आपको वो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और प्रिंट का जो आइकन है उससे प्रिंट कर लेना है वो अप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और फिर आपको प्रिंट पे क्लिक कर लेना है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी 2 से 3 कॉपी आपको निकलवा लेनी है, आगे काउंसलिंग में आपके वो काम आएगी। अब हम देख लेते हैं आपके फर्स्ट सेकंड या थर्ड तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका शेड्यूल है, फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी आपकी वो 12 अक्टूबर को आपकी पहली काउंसलिंग होगी BSc ऑप्टोमेट्री, BSc नर्सिंग, एनेस्थीसिया, OT, एक्सरे, MLT के लिए
और जो मेरिट लिस्ट है आपके एलिजिबल कैंडिडेट की वो 8 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। तो 8 अक्टूबर को आपको मेरिट लिस्ट आएगी आपके प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल बाद में रिलीज़ होगा, और जो सेशन है वो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपका रिजल्ट जो रिलीज़ हुआ है वो, तो रिजल्ट जो रिलीज़ हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका रिजल्ट रिलीज़ हुआ है, आप देख सकते हैं जी सेट, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स आपको दे रखे हैं वो आपके 45 मार्क्स हैं। 45 से ऊपर जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टेप टू को, और एससी कैटेगरी के लिए 40 से अबोव, तो 40 से ऊपर जिसके स्टूडेंट के एससी कैटेगरी में नंबर है या जनरल कैटेगरी में जिसके 45-45 नंबर से ऊपर है वो आपका स्टेप टू है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने हैं आपको, और 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है तो तब तक आपको ये अपलोड करना है। और बाकी जो डिटेल्स हैं आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कितनी सीटें हैं कितनी फ़ीस है इसके रिगार्डिंग हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें आगे भी ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।